वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता.com के इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। धर्म भारत में सियासत के केंद्र में हमेशा से रहा है। सियासत के जो वोट बढ़ते हैं उनमें धर्म का हिसाब किताब भी लगाया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समर्थक कम मिलते हैं। कई बार ये बात बीजेपी के नेता भी अपने मुंह से स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन जब अलग अलग राज्यों में हम पहुँचते हैं तो वहाँ की परिस्थितियाँ कई बार अलग अलग देखने में आती है। हमारी टीम जब मध्य प्रदेश पहुँची तो यहाँ देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान को तो लोग यहाँ पसंद करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से उन्हें कई मामलों में शिकायत है। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस बारे में। मिला है ना, इसका भी काम चले, हमारे भी 2.5 लाख की योजना में शिवराज सरकार ने करा, उसमें दो तीन काम हमने करे हैं बिल्कुल, और पैसे भी आए हैं शिवराज सरकार ने हमारे भी दो तीन काम में। बस हम तो GST नोट बदली इन चीज़ों से बहुत परेशान होगा। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, और आप किसी से भी उज्जैन शहर में पूछोगे तो आपको यही बताएंगे, जब से GST नोट बदली ये मोदी सरकार के कारण जो अभी तक ये सेवाएं आई हैं, इससे जनता बहुत नाखुश है, और इससे हमारे उज्जैन शहर में और आज दूसरी जगह भी इंदौर कंट्री देवास इधर बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छा, GST नोट बदली का इससे क्या लगता है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे हमारे मतलब पूरे मतलब सारा वातावरण बिगड़ चुका है। यहाँ का GST लगने के बाद, नोट बदली के बाद आम नागरिक, आम औरतें, हमारे घर की महिलाएं बहुत परेशान हुई। इमरान भाई क्या काम करते हैं आप? मैं मकान की ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, तो जो GST वगैरह का असर आपके कारोबार पे कितना पड़ा है, आपको क्या लगता है इससे नौकरियाँ कम हुई है, ऐसा कुछ लगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है नोट बदली से मकान के कारोबार में बहुत ज़्यादा। और बाकी आपको इसके पहले 5 साल पहले मोदी सरकार से पहले UP की सरकार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसकी तुलना में आपको कैसा लगा कामकाज, क्या इन्होंने उनसे बेहतर किया है या ख़राब किया है? उनसे तो बहुत ख़राब किया है। ये तो इमरान भाई हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है, देश की बेरोजगारी है। 18 से 19 साल के जो युवा हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनके सामने अगले कुछ सालों में चुनौती खड़े होने वाली है रोज़गार को लेकर। मोदी सरकार से भी इनकी यही अपेक्षा थी, आने वाली सरकार से भी यही उम्मीद कर रहे हैं। एक रुपए किलो में क्या मिल रहा है? गेहूँ चावल सभी मिल रहे हैं, दो चीज हम लोगों को मैगी के मिली है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अच्छा, मैगी उसमें लिया है आप? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं भी तो मतलब लोन चुकता हो गया इसका सारा? नहीं भैया, इसका लोन 7 साल का। अच्छा अच्छा, और उसमें भी 1,75,000 रुपए माफ कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार कैसे गई थी, स्वरोजगार योजना का लोन आपको मिला है? आप मामा जी आ रहे हैं उनके उधर से, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से जीते।